हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से संगीता का प्यार भरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपना चहिता चैनल मसाला फ्राई पैन। आज मसाला फ्राई पैन में बनने जा रहा है बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, जिसे देखते ही सबके मुंह में आ जाता है पानी और सबका चहिता है, वो है समोसा। आज मैं समोसा बनाने का जो तरीका बताऊंगी, इससे समोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी। और उसके साथ बनाएंगे एक चटपटी सी हरी चटनी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी तो आप सही तरीके से बना पाएंगे ये डिलीशियस सी चटनी और बहुत ही स्वादिष्ट सा समोसा। रेसिपी शुरू करने से पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर देर किस बात की, चलिए हमारे किचन में रेसिपी शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो की तैयारी कर लेते हैं, जिससे कि उसकी पट्टी बनाएंगे। तो आधा किलो के करीब मैदा यहाँ मैंने छान के ले लिया है। मैदा अच्छे से छान कर लेके लेंगे तो उसमें जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। आधे किलो मैदा में आधे चम्मच के लगभग नमक डाल दें। अब इसमें दो बड़े चम्मच घी डाल दें। घी की जगह आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं या डालडा भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब इन सब को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। घी या रिफाइंड डालने से इसमें ये होगा कि इसमें मोम आएगा और हमारी पट्टी बिल्कुल ही खास्ता बनेगी। अब इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद एक चम्मच इसमें कलौंजी डाल दें। मैंने यहाँ एक चौथाई चम्मच अजवाइन भी इसमें डाला है। अजवाइन डालने से हमारा पेट ठंडा रहेगा और समोसा खाने से जिसे भी गैस वैस बनता है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अजवाइन हमारे पेट को बिल्कुल शांत रखता है और खाना पचाने में भी बहुत ही मदद करता है। अब इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि डो हमें टाइट चाहिए। एक टाइट सा डो हमारा तैयार हो चुका है। अब एक गीला कपड़ा इस पे ढक करके हम इसे रेस्ट होने रख देंगे। अब चलते हैं चटनी बनाने के लिए। तो चटनी बनाने के लिए मैंने हरा धनिया यहाँ बहुत सारा ले लिया है। अब मैंने यहाँ एक बड़ा लहसुन ले लिया और उसकी सारी कलियाँ छील करके इसमें डाल दी। अब इसमें एक टुकड़ा अदरक का काट करके इसमें डाल दें। एक मीडियम साइज का प्याज काट करके डाल दें और दो मीडियम साइज का टमाटर। छह से आठ हरी मिर्ची तोड़ करके यूं इसमें डाल दें। एक चम्मच भर के मैंने यहाँ नमक डाल दिया और आधा चम्मच के करीब सरसों का तेल। ये धनिया की चटनी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाएं। अब इसे बिल्कुल ही बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमारी धनिया की चटनी तैयार है। अगर आप पतला चटनी खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। चटनी हमारी तैयार हो चुकी।
अब चलते हैं स्टफिंग की तैयारी करने। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ उबले हुए आलू ले लिए हैं और उसे मैश कर लिए हैं। उसे बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना है, बस हाथों से उसे मैश कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म कर लें और उसमें एक मुट्ठी मूंगफली को फ्राई कर लें। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, ये चिटकने लगी है, अब इन सब को निकाल लेंगे। मूंगफली को निकाल के साइड में रख लेंगे और फिर एक बड़े चम्मच तेल गरम करके उसमें डालेंगे कुछ मसाले। मैंने यहाँ धनिया लिया है, धनिया को अच्छे से कूट लिया है। तो कूटा हुआ धनिया एक चम्मच लेंगे, एक चम्मच जीरा लेंगे और आधा चम्मच अजवाइन लेंगे और इन्हें तेल में फ्राई कर लेंगे। इन मसालों को फ्राई करने के लिए फ्लेम लो ही रखें। मसाला हमारा भून चुका है, अब इसमें डाल दें कुटी हुई हरी मिर्ची। मेरी यहाँ तीखी वाली हरी मिर्ची है तो मैं यहाँ 1.5 चम्मच ले रही हूँ। अब 1 चम्मच भर करके कूटा हुआ लहसुन ले लेंगे और 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक। मिर्ची अगर आप कम खाते हैं तो आप कम मिर्ची डालें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें। अब मैं यहाँ फ्रेश मटर 1 मुट्ठी डाल रही हूँ। इसे इन मसालों के साथ अच्छे से 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें डाल दें स्वाद अनुसार नमक। नमक 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है। अब इन सबको लो फ्लेम पर अच्छे से पका लें। 2 मिनट के बाद ही मटर हमारा पक चुका है। अब हमने जो मैश किया हुआ आलू रखा था उसे इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद मीडियम फ्लेम कर दें और अच्छे से भून लें। इसे भूनने में लगभग 5 मिनट लगा। अब फ्राई किया हुआ मूंगफली जो रखे थे उसे इसमें डाल दें। अगर आपको लगे कि आपको मूंगफली पसंद नहीं है तो आप ना डालें, या मटर पसंद नहीं है तो ना डालें, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दें। गरम मसाला इसमें डालेंगे तभी इसका स्वाद रेस्टोरेंट जैसा आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी गरम मसाला ऐड करते हैं। अब इन सब को अच्छे से मिला लें। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हमने जो अपना डो लगा करके रेस्ट होने दिया था अब उसे 2 मिनट फिर से मिला लेंगे। डो हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट बनी है। रेस्ट होने से इसमें लास्टिक आ चुका है और डो हमें ऐसा ही चाहिए। अब थोड़ा सा मैदा ले करके इसकी छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे और उसकी पट्टी बना लेंगे।
ये देखिए पट्टी कुछ इस तरह की तैयार करेंगे। पट्टी हमारा लंबा होना चाहिए और थोड़ा थिकनेस भी होना चाहिए। लंबा पट्टी तैयार करके बीच से यूं कट लगा देंगे। एक में दो समोसे की पट्टी तैयार होती है। ये देखिए कुछ इस तरह से अपनी पट्टियों को तैयार करेंगे। मैंने यहाँ आधे मैदे की बहुत सारी पट्टियाँ तैयार करके रख ली है। आधे मैदे की पट्टी मैं बाद में बनाऊँगी। अब एक कटोरी में 2 चम्मच पानी ले लें और उसमें 2 चम्मच मैदा डाल दें। मैदे को इस पानी में अच्छे से मिला लें और इसे साइड में रख लें। हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसे एक बार अच्छे से मिला लें। अगर आपके पास हरा धनिया है और आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें डाल करके मिला लें। अब चलते हैं समोसा बनाने की तरफ। तो एक पट्टी उठा करके लेंगे और मैदे की जो घोल तैयार की है उसे लगा करके यूं इसे चिपका करके कोन बना लेंगे। अब इस तरह से स्टफिंग इसमें भरें और समोसा तैयार करें। स्टफिंग डालने के बाद मैदे का घोल अपनी उंगलियों से इसके ऊपर चारों तरफ लगाएंगे और इस तरह से चिपकाते हुए एक फोल्ड लगाकर इसे इस तरह से चिपकाएंगे, तभी हमारे समोसे का आकार परफेक्ट बनेगा। अब अपने सारे समोसे इसी तरह से तैयार करके रख लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लें। तेल मीडियम हीट ही होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से समोसे जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं और क्रिस्पी नहीं होंगे। तो लो टू मीडियम हीट पर ही तेल को गर्म करें और उसे चेक कर लें। अब इसमें एक एक करके सारे समोसे डाल दें और लो टू मीडियम हीट पर ही इसे पकाएं। समोसे बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर पकने दें, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे और इसकी क्रिस्पीनेस बहुत देर तक रहेगी। गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसे निकाल लें। सारे समोसे आप तैयार कर लें और तैयार करने के बाद आप उसे फ्रिज में रख दें। आपका जब भी खाने का दिल हो आप फ्रिज से निकालें और यूं ही तल के गर्मा गर्म खाएं। आप कच्चे समोसे को कुछ दिन तक बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जितने समोसे की ज़रूरत हो आप उतने समोसे गर्मा गर्म तल करके उन्हें निकाल लें। समोसा तो हमारा तल चुका, पर क्या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने में और भी मेहनत लगता है। तो क्या आप अपना प्यार हमारे चैनल को नहीं देंगे? तो अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये देखिए हमारे समोसे कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो ये डिलीशियस समोसे की हरी धनिए की टेस्टी चटनी के साथ पहली बाइट आपके लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
एक बार मेरी तरह इस समोसे और चटनी को बना करके अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।